कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब लंबे समय से बंद पड़े मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ट्रेन के प्रत्येक स्टेशन से पैसेंजर के आने जाने में रुकावट ना आए और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी भी रहे। हर स्टेशन के बाहर बस और अन्य गाड़ियों के एंट्री और एग्जिट की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने इसे लेकर शुक्रवार को प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना और अन्य कारणों से इंदौर में यह प्रोजेक्ट पिछड़ गया है, लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य होना चाहिए। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के दौरान पास हुए इस मेट्रो प्रोजेक्ट में अभी तक सिर्फ एक पिलर ही बन पाया है और कार्य में गति लाने के लिए संभागायुक्त ने इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की बात कही है। इंदौर में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा, उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं मेट्रो में, ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी स्थानीय इश्यूज हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में आज बैठक आयोजित।